नमस्कार, मैं अविनाश। E7 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर और संगठन प्रमुख और राज्य के उपाध्यक्ष श्री जो दबंग जमीनी नेता जो है, जो कर्नाटक के लाखों किलोमीटर घूम के जो संगठन को एक संगठित करके एक शक्ति दे रहे हैं। आज हमारे साथ श्री विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। जी विजय शर्मा जी, आप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। अभी आप संगठन अभी बिदर में आप जो लड़ाई कर रहे हैं नगर सभा के चुनाव में, सो आप पहले आपका दर्शकों को ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। एक ईमानदार राजनीति का नाम आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी के द्वारा जिनको राजनीति में मौका नहीं दिया जा रहा है, दूसरी पार्टियों नहीं दे रहे, मतलब 30 करोड़ खर्चा करना है, 5 करोड़ देके टिकट लेना है, उस राजनीति को ख़त्म करने वाले जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेदी के है, उसका नाम आम आदमी पार्टी है। ये कोई एक पार्टी नहीं है, ये 70 साल से आम आदमी जो तकलीफ पा रहे हैं इस देश में, वो संगठित आम आदमी आज आम आदमी पार्टी के रूप में बनकर सामने आए हैं। सर, आप बीदर जिले में आप अभी कितना दिन से हैं? मैं पिछले हफ्ते भर से बीदर में हूँ। अच्छा, किस किस वजह से बीदर सिटी में आए हैं आप? वजह तो आप सभी जानते हो कि म्यूनिसिपल जो नगर सभा इलेक्शन है बीदर का, वहाँ पे हम चाहते हैं कि ग्रास रूट से आम आदमी पार्टी देश के हर जगह, और वैसे ही बीदर में चाहती है, ग्रास रूट लेवल से राजनीति साफ हो, ईमानदार लोग राजनीति में आए। और ईमानदार लोग राजनीति में आने से क्या होता है, ये आपने दिल्ली में देखा है। एक चुनी हुई सरकार जिसे लोगों ने थोड़ा सा मत देने में कमी रख दी थी, पहले इलेक्शन में 28 सीट हमको आए थे, और 49 दिन के बाद में हमारे मुख्यमंत्री ने उस सीट को रिज़ाइन किया था कुछ कारणों से। एक साल तक केंद्र सरकार जो बैठी थी, उन्होंने चुनाव होने नहीं दिया, हिसाब से 6 महीने में होने चाहिए थे। आज पूरे देश में कांग्रेस के एमएलए बिक रहे हैं, हर पार्टी के एमएलए बिक रहे हैं। एक साल तक उन्होंने कोशिश किया था कि हमारे एमएलए को खरीदा जाए, लेकिन एक ईमानदार राजनीति में वो ताकत थी कि करोड़ों रुपया ऑफर देने के बाद भी हमारा कोई एमएलए खरीद नहीं पाए। एक तो ये, दूसरी ईमानदार राजनीति जब 70 में 67 सीट लेके आई है दिल्ली में, उसके बाद आज पूरी दुनिया में हमारा गवर्नेंस मॉडल का चर्चा चल रहा है। तो वैसी ईमानदार राजनीति जो है हम बिदर में लाना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल से। क्या आपको लगता है कि बिदर में ईमानदार राजनीति नहीं है, ईमानदार एमएलए नहीं है? बिदर की राजनीति के बारे में मुझे लगता है एक बच्चा बच्चा जानता है कि बीदर की राजनीति क्या है, और बीदर में कितने ईमानदार एमएलएज हैं, और बीदर में कितने ईमानदार म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर हैं। बीदर में एक्चुअली मैं सच बोलूं तो बीदर में 5 दिन रहने के बाद, 6 दिन रहने के बाद मुझे लग रहा है कि बीदर में बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, इन सब की नाव भंवर में फंस चुकी है। लोग इनसे परेशान हैं। आपका एमएलए जो है यहाँ पे, मुझे जो सुनने मिला जनता से, और मैं फिर कहता हूँ जनता झूठ नहीं बोलती, जनता आपको घर में से निकलकर बूथ तक आकर आपको वोट दी है, उसका निरादर आपने किया है। आप बीदर से चुने गए हो, लेकिन आपके दिन गुजरते हैं बेंगलोर में, लोग आपको फ़ोन करते तो आप फ़ोन उठाते नहीं हो, आपकी कहानी गंदी नालियाँ कह रही है, आपकी कहानी ये खराब रास्ते कह रहे हैं, आपकी कहानी घरों में जो खाली नल पड़े हैं जिसमें पानी नहीं आ रही, वो आपकी कहानी कह रहे हैं। आपकी कहानी हर एक बीदर के अंदर जो दफ्तर है जहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, वो आपकी कहानी कह रहे हैं। मतलब किस तरह के एमएलए हो आप, किस तरह के जनप्रतिनिधि हो आप? आपको जनता मान सम्मान दे के जिताती है, जनता के टैक्स के पैसे से आप कार, बंगला, गाड़ी, मोबाइल, ये वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी दी जा रही है, और आप चुनाव जीतने के बाद जनता के अंदर संपर्क नहीं करते हो। दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है जो हफ्ते में हर दिन आप टाइम लेके उससे मिल सकते हो, और एक दिन जनता का दरबार लगता है, जनता अपना दुख दर्द लेके जाती है। ऐसा कौन सा दरबार यहाँ पे चला रहा है एमएलए? कौन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर काउंसिलर जो है जनता के लिए दरबार चला रहे हैं? जनता उससे मिल नहीं पाती है। मिलना है तो बीच में सुना हूँ कि एक कोटरी है या और कुछ माध्यम है जिसके द्वारा लेना देना होता है, और उसके द्वारा वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो ये तो नागवार है, जनता बहुत परेशान हो चुकी है। मतलब इतनी परेशान है कि मैंने, मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक में, मैं कई जगह घूमा हूँ, तो वैसे इस तरह से जिन एमएलए साहब की और यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनकी उनकी जो शिकायत लोग कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है एक्चुअली ये राजनीति। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जनता
किस तरह से 5 साल बिताई होगी या बिता रही है ऐसे जनप्रतिनिधियों के, सारे जनता का दुख दर्द, मतलब आप समझिए कितनी भयावह स्थिति है। आदमी परेशान है, बहुत बहुत परेशान है बिदर के लोग। जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि आप दिल्ली मॉडल कर्नाटक में लाना चाह रहे हैं, दिल्ली मॉडल बिदर में लाना चाह रहे हैं, तो जनता का ये, जनता को मतलब पॉलिटिशियन जो दूसरे जो पॉलिटिशियन है वो कह रहे हैं कि अगर आप आम आदमी को लाए तो क्या आप दिल्ली जाएंगे कि यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे एक काउंसलर जिताएंगे तो आप काउंसलर का कंप्लीट दिल्ली में करेंगे, यहाँ पर कोई नहीं। सुनिए एक छोटी सी बात है, बहुत आम आदमी बेवकूफ़ नहीं है और अब तो आम आदमी बहुत ज़्यादा जाग चुका है। दिल्ली एक मॉडल है, आपका काम आपको जाके यूपी या दिल्ली में नहीं कराना है या बिहार में नहीं जाना है। दिल्ली की राजनीति साफ हुई, अच्छे ईमानदार लोगों को हमने टिकट दिया। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲು, ಓ ರಾಜನೀತಿ ಜೊ ಹೇ ವಹ ಖತಮ್ ಹುಯಿ ಹೈ। ಇಮಾನದಾರ್ ಲೋಗ್ ಆನೆ ಕೆ ವಜಹಸೆ ಜನತಾ ಜೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಂಧತಿ ಓ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆ ಪೈಸೆ ಚೋರಿ ಹೋನೆ ಬಂದ್ ಹೋ ಗಯೆ। ನಿಯತ್ ವಾಲೆ ಲೋಗ್ ಜೀತ ಕರ್ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಜನತಾ ಕಾ ಸುಖ ದುಖ ಜೊ ವೋಟ್ ಪೂಛನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೈಸೆ ದ್ವಾರ ದ್ವಾರ ಜಾತೆ ಘರ ಘರ ಜಾತೆ ಐಸೆ ಓ ಸುಖ ದುಖ ಪೂಛನೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಎಂಎಲ್ಎ ಉನ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಜಾತಾ ಹೈ, ಛೋಟಾ ಸಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೈ। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ನೆ ಇಮಾನದಾರ್ ಲೋಗ್ ಕೊ ಮೌಕಾ ದಿಯಾ ಹೈ। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಯಹಾಂ ಬೀದರ್ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೊ ಭೀ एक ही चीज कहना चाह रही कि हम चुन चुन के अच्छे अभ्यर्थी जो है आपके वार्ड में खड़ा करेंगे, और आपको भी अगर कोई अच्छे इंसान की आपको लगता है कि हाँ फलाना व्यक्ति हमारे वार्ड से खड़ा हो जरूर हमसे संपर्क करें। तो ये आपका काम यहीं पे होना है, आपकी राजनीति यहाँ स्वच्छ होगी तो यहाँ आपके म्यूनिसिपल के पैसे चोरी होने बंद होंगे। यहाँ अगर आपका एक ईमानदार और अच्छा और जनता का जनता के लिए सोचने वाला व्यक्ति अगर आता है तो वो पैसे बचने चालू होंगे, तो काम दिल्ली जैसा यहां भी होगा। ये कोई बड़ा लॉजिक, बड़ा राजनीति है नहीं इसमें। आपका संगठन बिदर में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके कार्यकर्ता भी उतने ज्यादा नहीं है, क्या कैसा आप संगठन को स्ट्रांग करेंगे और कैसे इस चुनाव को आप एक राजनीति की टारगेट वैसा देखेंगे, क्वेश्चन मांग पूछेंगे आपको। देखिए दिल्ली में भी बहुत बड़ा संगठन कुछ नहीं था, बहुत छोटे संगठन से हमने शुरुआत करी थी। एक बात जनता बहुत ध्यान से सुने कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली मॉडल देखने के बाद वोट नहीं दिया है। दिल्ली मॉडल नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार लोग, उनका प्रयत्न लोगों ने देखा था, और दिल्ली मॉडल आज पूरे वर्ल्ड में चर्चा का मॉडल है। तो हमने एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत की, एक ईमानदार लोगों के समूह के साथ में जो जनता के लिए अच्छी सोच रखते हो, जो जनता का पैसा, जनता का टैक्स जनता को वापस पहुंचाने की इच्छा शक्ति रखते हो। तो वो मॉडल आने के बाद आज वो सारे काम हो रहे हैं, जनता का टैक्स का पैसा जनता को जा रहा है। तो संगठन हमारे तब भी ताकत जो हमारे आम आदमी थे, जो कांग्रेस और बीजेपी के राज से परेशान हो चुके थे, जहाँ में बड़े बड़े घोटाले हुआ करते थे, मतलब एक टिश्यू पेपर जो 5 पैसा जिसकी कीमत नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम जब दिल्ली में हुआ था तो 70 रुपये में एक टिश्यू पेपर खरीदा गया था, इस तरह के घोटाले आपके म्यूनिसिपलिटी में नहीं हो रहे हैं क्या? मुझे बताइए कर्नाटक में, बिदर में नहीं हो रहे हैं क्या? दिन रात हो रहे हैं। आपके जो नाली ठीक होने के पैसे आते हो कहाँ जा रहे हैं बताइए, आपके जो रस्ते ठीक होने के पैसे आते हो कहाँ जा रहे हैं बताइए। एक रैकेट बना हुआ है माफिया का, एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर, साथ में अधिकारियों का, ये सब एक रैकेट है जो जनता को चूस के रख दिए, जनता को परेशान करके रख दिए। और जनता इस बार जो मैं 5-7 दिन यहाँ घूमा फिरा हूँ, मुझे लगता है जनता इनको बुरी तरह नकारेगी। और दिल्ली में सब कह रहे थे ना 70 में 5 आ जाएगी आम आदमी को, 67 आ गई थी, यहाँ भी लगभग वही चीज़ होने जा रहा है, लगभग वही चीज़ होने जा रहा है, जनता पूरी तरह इनको नकारने जा रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जगह जगह जो हम लोगों से सुन रहे हैं, जनता दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, इनकी नाव भंवर में फंस चुकी है। जैसा अभी आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब 6 सालों में डेवलपमेंट कर पाएगी अगर आम आदमी की पार्टी यहाँ पे नगर सभा चुनाव में जीत गई तो? ये तो नगर सभा है, हमने तो पूरे दिल्ली राज्य में जहाँ में 3.25 करोड़ की आबादी है उसको बदल दिया है। क्या इन 6 सालों में पॉसिबल हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? किस तरह से आप लोगों को, आपको काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे की चोरी बंद कर दीजिए सब कुछ हो जाएगा। मुझे एक चीज लेनी है बाजार से और उस चीज की कीमत 100 रुपया है और मेरे पास 100 रुपया है तो मैं ले सकता हूँ,
अगर वो 100 रुपया मैंने पैंट कहीं टंगाई और कोई चोरी कर लिया तो मुझसे लेना नहीं होगा, मुझे उसके लिए फिर एक टैक्स कलेक्ट करना है, मतलब पैसे जुटाने पड़ेंगे। तो सरकार पैसे हर वक्त जुटा रही है, जो गद्दी में बैठे हैं टैक्स के रूप में वो पैसे जनता दे रही है, उस पैसे का चोरी अगर होना बंद हो जाए तो बीदर के अंदर में हर वार्ड में हम लोग एक अच्छी मोहल्ला क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। बीदर में जो टैंकर माफिया चल रहा है, पानी बिक रहा है, उसको हम बंद कर सकते हैं। बीदर के अंदर में जनता की झूठी सहानुभूति लेने के लिए अधिकारी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं अपने नाम से पानी बांट रहे हैं। अरे भाई, मुझे एक ही सवाल करना है बीदर की जनता से, सरकार के अंदर में पैसे हैं, म्यूनिसिपल के अंदर पैसे हैं, तो आपको किसी का एहसान क्यों लेना है, किसी आदमी के सामने क्यों हाथ फैलाना है? हमको प्रॉपर चैनल से चीज़ें मिलनी चाहिए, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तो वो सारे काम जो है, 6 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, हमने तो दिल्ली के अंदर में सत्ता में आने के बाद 24 घंटे के अंदर में 2.5 करोड़ आदमी के लिए 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया था 24 घंटे में। हमने कहा था 200 यूनिट बिजली जो है हम हाफ करेंगे, लेकिन हमने आज 200 यूनिट करंट कर्नाटक में 1400 रुपया बिल आता है, बीदर में भी 1400 आता है, हमने पूरी माफ़ कर दी है। तो जितना हमने कहा उससे ज़्यादा किया है, ज़रूरत एक ईमानदार राजनीति की है। चलिए, ये तो हो गई बिदर की बात, अब करते हैं स्टेट की। कर्नाटक में आपकी पार्टी किस तरह से डेवलपमेंट कर रही है, किस कर्नाटक तरह संगठन में चल रहा है? कर्नाटक में तमाम जिलों के अंदर में हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और अच्छे से अच्छे संगठन में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग आए, उनको हम जवाबदारी दें। तो अब जो है ये दिल्ली में दूसरी बार हम काम की राजनीति की वजह से जो जीत के आए हैं, संगठन में बहुत ज़्यादा जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तमाम जिलों में, तमाम तालुका जितने हैं कर्नाटक में, सब जगह हमारी टीमें तैयार हो रही है। और साथ ही साथ बीदर की जनता को एक बताना चाहता हूं कि बीदर का म्युनिसिपल चुनाव ही नहीं, हम अपना JPTP ग्रास रूट से पूरी राजनीति को साफ करना है, तो हम JPTP का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आगे MLA की भी तैयारी है, और 2024 में झूठ और लूट की जो पूरे देश में राजनीति चल रही है उसको भी हम खत्म करेंगे। बीदर हमारा कर्नाटक का ताज है, बीदर एक ईमानदार राजनीति की आगाज करे, ये मैं जनता से अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ। आप जिस राजनीति की यहाँ एक शुरुआत करेंगे म्यूनिसिपलिटी से, वो एक मैसेज कर्नाटक को जाएगा, एक ईमानदार राजनीति क्या कर सकती है, कितने बड़े बदलाव ला सकती है, ये मैसेज आपको देना पड़ेगा। जनता से मेरी गुजारिश है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये आपका आम आदमी का चुनाव, ये हर घर का चुनाव है, ये हर गृहिणी का चुनाव है जो महंगाई से मर रही है, ये हर युवा का चुनाव है जो बेरोजगारी से मर रहा है, ये हर बुजुर्ग जिन्होंने 70 साल इस व्यवस्था को सहा है उसका चुनाव है, ये हर दलित ब्राह्मण मुसलमान क्रिश्चियन जाति धर्म सब भूल कर लड़ने का चुनाव है, ये जो नापाक एक राजनीतिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने का चुनाव है। तो सारी जनता एक होकर इस पर लड़े, ये मेरी बीदर की जनता से अपील है, गुजारिश है, ये मौका आप नहीं गंवाइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, नमस्कार। मैं E7 चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अच्छी चीज़ें हमें रखने का मौका दिया जनता से। बाकी आज मीडिया पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो आप जैसी साफ गोई से काम करने वाले मीडिया को मेरा सलाम है, आपको शुभकामनाएं, अच्छे काम कीजिए, जो सत्य है उसको रखिए। और बीदर की जनता से मैं फिर कहता हूँ, मौका मत खोइएगा, आपके हाथ में मौका है एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने का, झाड़ू उठाइए और इस म्युनिसिपलिटी को साफ कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।